हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। गाइस, आज से हम एक नया वीडियो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको हिंदी से रिलेटेड सारे वीडियोस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। हिंदी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, आज उसी सीरीज का हम पहला वीडियो डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर कुछ ऑलरेडी मैंने वीडियो हिंदी से रिलेटेड बना रखी हैं, जैसे कि विलोम शब्द का वीडियो मैंने बना रखा है, अलंकार का वीडियो बना रखा है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अगर इन वीडियो को आप देखना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं, अगर देखना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। तो आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे संज्ञा, फिर इसी तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं सारे वीडियो कवर कराऊंगा, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उसके बाद आने वाले जो भी पर्यायवाची शब्द, और आगे जो भी हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जाने हैं, जैसे कि आपका UPPSL का एग्ज़ाम होना है, UP लेखपाल का एग्ज़ाम होना है, UPPSC का एग्ज़ाम होना है, तो आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से, तो वो सारे मैं आज जो है वो सारे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आप उन वीडियोस को एंजॉय करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर संज्ञा की, तो देखिए दोस्तों, जो संज्ञा होती है, तो संज्ञा तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, हमेशा शुरुआत से लेकर लास्ट तक पढ़ते आ रहे होंगे कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि अब हम जान लेते हैं कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि संज्ञा के मेनली टाइप कितने होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो संज्ञा की टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ संज्ञा या टाइप्स ऑफ नाउन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए, इसमें दो आधारों पर इसका विभाजन किया गया है, संज्ञा का दो आधार पर विभाजन किया, एक तो व्युत्पत्ति के आधार पर, जिसको हम कह सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर एक तो संज्ञा का विभाजन किया गया है, और दूसरा अगर जो विभाजन किया गया वो अर्थ की दृष्टि से विभाजन किया गया है। क्या किया गया है? एक तो उत्पत्ति यानी कि व्युत्पत्ति के आधार पर विभाजन हुआ है, और दूसरा जो संज्ञा का विभाजन है वो अर्थ की दृष्टि से है। तो पहले हम बात कर लेते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का विभाजन। तो अगर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा की विभाजन की हम अगर बात करें, तो देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। एक तो रूढ़, दूसरा यौगिक, और तीसरी योगरूढ़। क्या है, याद रखिएगा आप लोग, एक तो रूढ़ संज्ञा होती है, और दूसरा यौगिक, और तीसरा योगरूढ़। अब देखिए, अगर हम रूढ़ की बात करें, तो देखिए मैंने एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है, जैसे कि यमुना दिया है और कृष्ण दिया है, इस तरह के जो शब्द हैं, जैसे कि यमुना अगर हम इसको ले लें, यमुना को, तो अगर हम यमुना के दो पार्टों में डिवाइड करें, यमुना जैसे है आपका, अगर हम इसको दो पार्टों में डिवाइड करें या दो भागों में विभाजित करें, तो इसका कोई भी ऐसा विभाजन नहीं संभव है, नहीं है पॉसिबल है, जिसको दो भागों में बांटने पर इस शब्द को, यमुना शब्द को, उसके अलग अलग अर्थ कुछ निकल सकें। यानी कि अगर इसको दो टुकड़ों में बांट सके तो इसका कोई अलग अलग अर्थ नहीं बनता। तो ऐसे जो है संज्ञाएं जिनको विभाजित करने पर उनका कोई अलग अर्थ नहीं पता चलता या कुछ अलग अर्थ फाइंड नहीं होता, तो वो कहलाती हैं रूढ़ संज्ञाएं। जैसे कि यमुना, कृष्ण, अगर यमुना में या तो मुना हो जाएगा या यम तो उना हो जाएगा, यानी कि कोई भी उसका अर्थ नहीं निकल सकता। तो इस तरह से कृष्ण भी है, उसका भी अगर विभाजित करें तो कोई भी अर्थ अलग अर्थ नहीं निकलता, उसका एक अलग एक ही अर्थ है। जैसे कि यमुना जो कि एक नदी का नाम है, और कृष्ण जो कि एक हमारे ईश्वर हैं, भगवान हैं। तो ये हो जाएगा रूढ़, मतलब उनको विभाजित करने पर उनका कोई अलग अर्थ ना निकले। दूसरा क्या हो जाता है? यौगिक। अब यौगिक की बात क्या करते हैं, जहाँ जो संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बनी है, जैसे कि यौगिक अगर इसको हम अलग अलग विभाजित करें, जैसे कि पाठशाला, तो देखिए पाठशाला यौगिक का एग्जांपल मैंने समझाने की कोशिश की है यहाँ पर। तो अगर पाठशाला की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर हम पाठशाला को दो भागों में विभाजित करें, तो एक तो हमारा बनता है, क्या बनता है? पाठ, और दूसरा शाला। ये दो वर्ड हमारे सामने बनकर आ जाते हैं। तो देखिए पाठ का मतलब भी होता है एक अध्याय, ठीक है, और शाला का मतलब होता है जहाँ पर उसका अध्ययन किया जाता है। तो यानी कि इसके कहने का मतलब क्या होगा, यौगिक वह संख्या होती हैं जिनको विभाजित करने पर उनके विभाजन से जो शब्द बने हैं उनके भी अपने अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे कि पाठशाला को अगर हमने दो भागों में विभाजित किया, तो एक तो पाठ
और दूसरा साला। तो पाठ का भी एक अपना अलग मतलब निकलता है और साला का भी अपना एक अलग मतलब निकलता है। तो ये हो जाती हैं यौगिक संख्याएं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं योग रूढ़ संख्याएं। नेक्स्ट क्या बात करते हैं, योग रूढ़ संख्याएं। तो देखिए योग रूढ़ की अगर हम बात करें तो देखिए योग रूढ़ ऐसी संख्या होती हैं कि ऐसी संख्याएं जिनको विभाजित करने पर उनके अलग अलग अर्थ हों और साथ में उसका कोई तीसरा मतलब भी निकल रहा हो तो वो संख्याएं योग रूढ़ हो जाती हैं। जैसे कि मैंने क्या बताया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जिनको हम विभाजित करने पर या टुकड़ों में डिवाइड करने पर उनका या विग्रह करने पर, जैसे संधिविच्छेद हम करते हैं तो उनका विग्रह करने पर उन दोनों, उनके जो विग्रह करने पर जो भी पार्ट बन रहे हैं उनके भी अपने अलग अलग अर्थ होने चाहिए और साथ में उस जो शब्द है उसका भी एक अपना अलग तीसरा अर्थ निकलना चाहिए। तो वो हो जाती हैं योग रूढ़ संज्ञाएँ। जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है जलज की, तो जल प्लस जा हो सकता है, ये क्या हो सकता है, जल प्लस जा। तो देखिए जल का मतलब अपना अलग होता है वाटर, पानी, और जा का मतलब होता है उत्पन्न होना। जा का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना, मतलब पानी से उत्पन्न हुआ, जल से उत्पन्न, जो जल में उत्पन्न होता है तो वो क्या होता है, कमल। यानी कि जलज की बात यहाँ तीसरा अर्थ कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, कमल। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि उनका विखंडन करने पर उनके अलग अलग अर्थ निकल रहे हों साथ में उसका कोई तीसरा भी अर्थ हो। तो जैसे कि जल प्लस जा, तो जल का मतलब जल से उत्पन्न होने वाला, जा का मतलब उत्पन्न होने वाला, तो जल से उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। तो इस तरह से आप इन तीनों को, उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों जो चीज़ें हैं इनको आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, ये तो अभी तक हमने डिस्कस किया किसके आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। अब हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर अर्थ के आधार पर। तो देखिए अर्थ के आधार पर अगर अर्थ की दृष्टि से हम देखें तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा पांच प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, पांच प्रकार की। तो चलिए इनको हम क्रमवाइज जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा, तीसरी होती है द्रव्यवाचक संज्ञा, और चौथी होती है समूहवाचक संज्ञा, तथा पांचवी जो होती है वो होती है भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से पांच संज्ञाएं हमारी अर्थ की दृष्टि से होती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुत ही आसान है, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे कि राम, तो देखिए राम क्या है, राम एक व्यक्ति का बोध कराता है, राम हमारे भगवान थे, तो राम क्या है, एक व्यक्ति का बोध कराते हैं, राम शब्द एक व्यक्ति का बोध कराता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यमुना, यमुना एक नदी का बोध कराती है, तो यमुना चूंकि नदी क्या हो जाएगा, अब यहाँ बात करें नदी, तो नदी जाती है, अब उस नदी के भी कई नाम होते हैं, जैसे नदी तो एक कॉमन वर्ड हो जाता है, अब यमुना है, ये गंगा नदी है, तो वो व्यक्तिवाचक, एक स्पेशल इंडिविजुअल इंसान का बोध कराती है, तो वो क्या हो जाती है, व्यक्तिवाचक। फिर लखनऊ यदि शहर का नाम है, कैपिटल ऑफ यूपी, तो ये भी एक स्थान का बोध करा रही है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा की हम बात कर लेते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो किसी जाति का बोध कराती हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे कि लड़का, अब देखिए अगर यहाँ पर हम बात करें राम, मोहन, सोहन, तो वो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति विशेष का नाम हम बता रहे हैं, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। लेकिन अगर लड़की की बात की जा रही है तो एक कॉमन वर्ड को लिया जा रहा है, यानी कि ऐसा वर्ड जिसमें लड़के की बात की जा रही, तो वो कोई भी राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, तो इस तरह से जाति को बता रहा है, वो क्या बता रहा है, एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि नदी, तो देखिए दो बार नदी लिख दिया है, तो जैसे कि नदी, तो नदी देखिए क्या होता है, नदी में कई सारी होती है, यमुना, गंगा, सरस्वती, इस तरह से बहुत सारी नदियाँ होती हैं, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह से पर्वत, अब पर्वत में कैसे, हिमालय पर्वत, इस तरह से बहुत सारे पर्वत होते हैं, तो ये सारी जाति का बोध कराते हैं, एक समूह को बताते हैं, एक जाति को बताते हैं, समूह नहीं सॉरी, एक जाति को बताते हैं, मतलब एक किसी चीज़ के पर्टिकुलर कॉमन वर्ड को बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है तो बहुत ही आसान है, जिस संज्ञा से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है। जैसे कि ठोस पदार्थ अगर हम देखें तो सोना, यह सोचा लिख दिया, लिख गया है, सॉरी दोस्तों सोना होगा, सोना, लोहा, तांबा, चांदी आदि, मतलब कि ठोस पदार्थ की बात करें तो देखिए सोने से बहुत सारे आभूषण बनाए जाते हैं, सोने से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो मैंने यहाँ पर बात क्या की कि जिस संज्ञा से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, उस इससे कोई वस्तु बनी होती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा सोना। और फिर लोहा, तांबा, ये सारी धातुएं हैं और इनसे मिलकर कोई कोई चीज़ बनाई जाती है, इसीलिए इनका ऐसे कोई यूज़ नहीं है, इनसे अब सोने का ऐसे कोई यूज नहीं, उसका किसी चीज़ में यूज किया जाता है, मतलब उससे कुछ ना कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इस तरह से यह द्रव्य है, एक ठोस पदार्थ है सोना,
चांबा चांदी ये मेटल है। फिर इसी तरह से द्रव पदार्थ जैसे कि घी दही तेल पानी आदि, तो ये घी दही तेल पानी क्या है, ये द्रव पदार्थ हैं, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट है गैसीय पदार्थ, तो देखिए ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ गैस यही सारे द्रव्य होते हैं, तो गैसीय पदार्थ जैसे धुआं ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैसें हैं, तो ये हो जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट हमारी आती है समूहवाचक संज्ञा, तो समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह या समुदाय के वाचक होते हैं समूहवाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे कि टीम। अब देखिए टीम की अगर यहाँ पर बात करें तो टीम एक व्यक्ति विशेष से नहीं, कई सारे लोगों के समूह से मिलकर बनी होती है टीम, जिसको हम बोलते हैं टीम। फिर इसी तरह से सभा होता है, तो सभा में एक व्यक्ति नहीं होता, कई सारे व्यक्तियों को के मिलने से एक सभा का निर्माण होता है, तो इसीलिए वो क्या हो जाती है समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। आयोग एक समूहवाचक, कई सारे लोगों से मिलकर एक आयोग बना होता है। परिवार एक समूहवाचक, क्योंकि परिवार में कई सदस्य होते हैं, उनका एक समूह परिवार कहलाता है। इसी तरह से पुलिस, पुलिस में कई सारे लोगों के समूह से मिलकर एक पुलिस बनी होती है, पुलिस एक व्यक्ति नहीं होता। अब चूँकि पुलिस बहुत पूछा भी जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा पुलिस समूहवाचक संज्ञा है। फिर अधिकारी कर्मचारी ताश, आप देखिए ताश हम बोलते हैं तो ताश तो 52 पत्ते होते हैं ताश में, लेकिन उन सबको मिलाकर ताश बोलते थे, यानी कि एक समूहवाचक शब्द है। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है भाववाचक संज्ञा। दोस्तों भाववाचक संज्ञा में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है और ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से आप समझना आपका फर्ज है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है, किसी भाव गुण दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द सब भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे कि क्रोध। अब देखिए क्रोध क्या है, एक भाव को प्रदर्शित कर रहा है, क्या दिखा रहा है क्रोध क्या है, क्रोध एक भाव है, क्रोध क्या है एक भाव है अपने अंदर, जैसे उनके अंदर बहुत क्रोध दिख रहा है, मतलब एक भाव दिख रहा है, किस तरह का भाव, क्रोध का भाव, तो ये क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। फिर मिठास, जैसे तुम्हारी आवाज़ में बहुत मिठास है, अगर हम इस सेंटेंस को यूज करें तो देखिए आवाज़ में बहुत मिठास है, मिठास क्या हो जाएगा, मिठास एक भाव व्यक्त कर रहा है यहाँ पर, मिठास सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे यहाँ पर, तो मिठास यहाँ पर क्या, मिठास एक भाव को व्यक्त कर रहा है, क्या है मिठास है, मतलब एक तुम्हारा भाव है, प्यार है, मतलब वाणी में बहुत प्यार है, मिठास है, भाव, ये तो एक भाव को व्यक्त करता है, तो ये भाववाचक हो जाता है। कालीमा, ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, ये एक भाववाचक संज्ञा, तो ऐसे शब्द जो भाव, किसी चीज़ का भाव गुण दशा आदि चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उसके अंदर बंधुत्व की भावना है, तो देखिए भावना इसी क्लियर हो जाएगा कि बंधुत्व एक भावना है, तो भावना का मतलब भाववाचक संज्ञा है ये, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स होते हैं। फिर कुछ स्पेशल कैटेगरीज भी इसमें आती है। अब देखिए भाववाचक संज्ञा में देखिए कुछ चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर नोट्स भी बता देता हूँ आपको, कि उससे भी आप पहचान सकते हैं कैसे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया तथा अव्यय में आओ त पन, जैसे कि अपनापन, ये एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। बंधुत्व, ये एक भाववाचक संज्ञा, तो यानी कि इसमें क्या कहा जाएगा कि जैसे सर्वनाम विशेष, जैसे ये कह सकते हैं ना कि वह अपना है, वह पराया है, तो ये एक विशेषण हो जाता है अपना पराया, और इस तरह से लेकिन पन उसमें जोड़ दिया तो एक भाववाचक संज्ञा बन जाती। तो इसी तरह से ऐसे शब्द जहाँ पर जाएगा भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया तथा अव्यय में आओ त्व पन अन इमा ई ता हट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है संज्ञाओं का विशिष्ट प्रयोग। अब देखिए कुछ संज्ञाओं का एक विशेष प्रयोग होता है एक विशेष तरह से, सिर्फ इसमें मैं दो लाइनों में समझाने की कोशिश आपको करूंगा यहाँ पर। तो क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में, तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में किस तरह से प्रयोग होता है, देखिए सेंटेंस से आप समझ सकते हैं। जैसे क्या कहा गया है, देश को हानि जयचंदों से होती है, तो देखिए यहाँ पर देश को हानि जयचंदों से होती है। देखिए जयचंद तो एक व्यक्ति का नाम था, एक व्यक्ति विशेष का नाम था जयचंद, लेकिन यहाँ पर देश को हानि जयचंदों से होती है, तो जयचंद उस व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर जयचंद के उस गुण से बात की जा रही है, जयचंद की उस जाति से बात की जा रही है कि उसकी क्या जाति थी, उसकी जाति ये थी कि वो बहुत ही धोखेबाज किस्म का इंसान है। कैसा था वो, बहुत धोखेबाज किस्म का इंसान था। तो यहाँ पर देखिए व्यक्ति का बोध नहीं, यहाँ पर इस व्यक्ति के नाम से उसकी जाति का बोध किया जा रहा है कि वो बहुत ही धोखेबाज किस्म का इंसान था। तो यहाँ पर देखिए व्यक्ति का जातिवाचक संज्ञा के रूप में उपयोग हुआ है। फिर नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। अब जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे होता है, जैसे कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस है कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो ये शुक्ल जी किस, शुक्ल जी तो एक जात है, शुक्ला मिश्रा ऑलरेडी आप जानते हैं एक जाति ही होती है, तो शुक्ल जी तो एक जाति है, लेकिन यहाँ पर शुक्ल जी का इंडिकेशन किसके लिए है, रामचंद्र शुक्ल की तरफ, इंडिकेशन किसकी तरफ है, रामचंद्र शुक्ल की तरफ, क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग साहित्य का हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, रामचंद्र
शुक्लिंग। तो यहाँ पर ये शुक्ल जी किसको इंडिकेट कर रहा है, एक व्यक्ति विशेष को इंडिकेट कर रहा है, किसको, रामचंद्र शुक्ल जी को। तो उसी लिए कहा गया कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, जो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में बोध किया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये कुछ विशिष्ट प्रयोग होते हैं इसके। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि संज्ञा पर आधारित था। इसके आगे मैं स्टेप बाय स्टेप इसी तरह के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, और सारी हिंदी की जितने भी हिंदी के इम्पॉर्टेंट अध्याय हैं जो भी हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब आपके सामने ज़रूर पेश करूँगा। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर ये आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं दोस्तों हिंदी के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।